दोस्तों आप सबका अपना गोल्डन भैया, मैं चाहता हूं कि आप लोग देखो लाइव वीडियोस हम बनाते कैसे हैं। मैं इधर उधर पता नहीं क्या कर रही है और मैं जाके उससे बात करता हूं। दिखाओ जरा लड़की, हाय विवेक। हाय भूमि, हाउ आर यू? बताया तो विवेक, हु आर यू की हाउ आर यू? विवेक कैन इज इट? हाय हाय हाय, कैसी हैं आप? ठीक, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ। काम था? काम नहीं था, बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा था आपसे बात करने के लिए, सो मैंने सोचा क्यों ना आपसे बात की जाए। हाँ, मुझसे बात करने? हाँ, सच में आपसे बात करने के लिए। मैं मायने में बात करने के लिए, आप मुझे अच्छी लग रही थी ना, इसलिए मैं चला आया। मैं भी ऐसे बैठा हुआ था, मैं सच बोलूं, मैं भी बकचोदी करने आया था, कोई काम नहीं था मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा चल के, यार लड़की इतनी हॉट सी है, और तो थोड़ा सा बात करते हैं, लाइन वाइन मारते हैं। बस लाइन मारने के लिए तुम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए यार, मतलब अगर ऐसी गुलाब जामुन बैठी हुई हो तो सिर्फ देख के मुँह में पानी ना आए तो बंदा कैसे काम चलेगा बताओ। गुलाब जामुन और मैं तो, आप क्या है? मिर्च है? नहीं। वैसे आप काफ़ी अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। मतलब फ़ोन भी अच्छा लग रहा है, आपकी घड़ी भी अच्छी लग रही है, स्पेशली आपका बाल बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपका हेयर टच कर सकता हूँ? नो। मतलब टच करने में मैंने कुछ गलत चीज़ तो बोला नहीं टच करने के लिए? नहीं, मैं गलत नहीं। डू यू नो चीज? चीज? गलत चीज। गलत चीज का मतलब जानती हो? नहीं यार, आई थिंक अब्रॉड थिंकिंग यार। नहीं सोचना अब्रॉड थिंकिंग। अच्छा नाम मैं भूल गया, फिर से बताना। भूमि। नाम तो बड़ा प्यारा है आपका यार। हाँ कि भूमि अच्छी नहीं है पर। क्यों? देख लो पहले सूखी बंजर पड़ी। कोई बात नहीं, बंजर जमीन में ही तो, इस जमीन में मिट्टी है, इस मिट्टी में सोना है, तुमको क्या पता है। देखो खोदो जरा निकले। सच में देखो ना कितना प्यारा है ये मिट्टी, ये मिट्टी ही जिंदगी है यार। अच्छा, है ना, खोदो ना जरा इसके अंदर, इसके अंदर सोना निकलेगा। सोना तो आपके अंदर है। हाँ, पता है उसके अंदर तो सच में सोना है, क्योंकि मिट्टी हमारी माँ है। हाँ मिट्टी तो हमारी माँ है, ये फल फ्रूट पेड़ पौधे सोने ही है। नहीं, सोना तो आपके अंदर है, बस आपने छुपा के रखा हुआ है। दिखा दीजिए सोना। नहीं। सोने जैसा रंग है तेरा, मैं पहनती नहीं हूँ। चांदी जैसे रूप, एक तू ही धनवान है गोरी। क्या करते, क्या हो? मैं हाँ। लड़कियों से टाइम पास। तो काट के गई है क्या तुम्हारा? सच्ची बताना। कसम से। आपका कटा है कि नहीं? बहुत गंदे वाला कट गया आपका भी। वैसे आप क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं, जॉब करती हूँ। क्या जॉब करती हूँ? कुछ नहीं, लोगों को चूतिया बनाती हूँ जॉब में। और क्या? लोगों को चूतिया बनाती हो? हम मतलब बैंक का काम है, बैंक में चूतिया बनाना होता लोगों को। और क्या? कौन सी बैंक? जी बैंक में काम करती हो? SBI बैंक में। तो सरकारी जॉब है तो ये तो बोल रही, लोगों का चूतिया बनाती हूँ। मतलब कितना ऑनेस्ट तरीके से तुमने बोल दिया यार। कैसे? SBI बैंक भी लोगों को चूतिया बनाती है? नहीं यार, पब्लिक है यार, इतना चूतिया बनाने के लिए, बनने के लिए तैयार है, सीधी बात है। तुम बनाने के लिए तैयार हो? अच्छा, मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आता, जब एक दिन का काम होता है तुम लोग 10 दिन क्यों लगाते हो? नहीं, वो हमारे ऊपर नहीं ना, हमें मूंगफली खानी होती है, ठीक है ना, और फिर कपड़ों की सेलिंग करनी होती है यार, बैठ कर बहुत सारे काम है। तो वहाँ जाती क्यों? पैसा क्यों लेती हो सरकार का? नेल पेंट के लिए। ये हुई ना मुद्दे वाली बात। बात है। अच्छा एक बात देखो, मैं लड़की हूँ, मेरे को बहुत सारी चीजें हैं, पार्लर जाना है, शॉपिंग करनी है, बहुत सारे खर्चे होते हैं लड़की के, तो पैसे तो चाहिए ना, सिंपल सी बात है। हाँ यार, ये बात तो तुम्हारी एकदम सच्ची वाली है। तुम क्या करते हो उसके अलावा? मैं सच बताऊँ? हाँ। मैं यही बता ना क्या करते हो, झूठ मत बोलना, मेरा मत काटने बैठना। क्यों, शादी करोगी क्या? नहीं। अच्छा गर्लफ्रेंड बनोगी हमारी? नहीं नहीं, सोचना भी नहीं, इंटरेस्टेड है? ये क्या है, उल्टी मत करो। मैंने कर दिया मुझे रिलेशन के नाम से। वो 9 महीने में, वो 9 महीने में होता है यार, तुम ऐसे ही कर रही हो। तुम्हें और कुछ नहीं मिला बोलने के लिए? मतलब अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, तुमने पहले ही उल्टी करना शुरू कर दिया यार। तुम्हें और कुछ नहीं मिला बोलने के लिए यार, हद है यार।
मेरी वाइफ नहीं है तभी तो तुम्हारे पास आया हूँ। मैं मुंह काला करने नहीं आया हूँ यार, क्यों तुम गलत समझ रही हो, मुझे जाके लोगों को मुंह भी दिखा रहा हूँ। बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, इंजीनियर कह सकते हो। बस यही, इसका इधर करो उसका इधर करो, बस यही है ना। लेकिन आप हमें पसंद हो। सॉरी। अच्छा आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? बिल्कुल भी नहीं। चलो हमारे साथ डेट करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। देखो मेरे हाथ में 50 लाख की चाबी है, क्या करूँ मैं इस 50 लाख का जब मेरे नहीं है तो। अच्छा छोड़ो ना, अच्छा ना प्यार से बोल रहे हैं ना, मेरा मन कर रहा है यार सच्ची में तुम्हारे साथ कॉफी पीने का। मेरा मन नहीं है, मैं कॉफी पीती भी नहीं हूँ। ओ नंबर जरा टाइप करना अम्मा। मेरा नंबर? सीरियसली? सच में? फिर चलें? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, फिर नंबर क्यों दिया? ढूंढ लो ना, मिल जाएगी, इतने अच्छे तो हो। मेरे ऊपर ही ट्राई करने के लिए आए हो? मतलब अच्छा, मतलब अच्छा मैं ही, मैं मतलब अच्छा हूँ तो आप ही पसंद कर लो। नहीं क्यों, मैं आपको स्मार्ट नहीं लगता? अच्छा टू ऑनेस्ट बोलना, मैं हैंडसम हूँ कि नहीं हूँ? नहीं स्मार्ट और हैंडसम में तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी सीरियसली, बट मैं नहीं, मैं टाइप नहीं। क्यों, तुम्हारा टाइप क्या है? मेरा कोई भी टाइप नहीं है इस टाइम में, क्योंकि मेरा खुद ही बहुत कंधे वाली लाइफ ने थप्पड़ मारा मुझे सीरियसली। क्या हुआ? बस दोस्ती है तो बता दो। चलो हम दोस्त, देखो इतना हंस हंस के बात कर रहे हैं तो दोस्ती भी नहीं है। दोस्ती नहीं ना? नहीं। चलो चलो ठीक है, क्या हुआ बताओ, अच्छा लगेगा सच में तुम्हें, तुम्हें बता के मेरे को। दोबारा से रिलेशन के बारे में मत बोलिएगा। नहीं बोलेंगे, बताओ। पक्का? पक्का। मेरी मैरिड हो चुकी है, अब डिवोर्स हो रहा है। शादी हो गई तुम्हारी? हाँ जी। मतलब तुमने सब मजे ले लिए हैं जीवन के? जीवन के मजे तो जीवन ने मेरे साथ लिए है ना। क्या लिए? लेना देना पड़ता ही है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर बंदा का ठीक हो तो इंसान लाइफ उसके साथ में स्पेंड कर सकता है पूरी, वही ठीक ना हो तो कस होगा। तो क्या हुआ बताओ, तब तो जानेंगे हम, ऐसी कुछ अंतर्यामी थोड़ी ना है। जिसे अपना बनाया उसने सबका बनाया बस। मतलब क्या समझा नहीं, मैं अपना बनाया जिसने बनाया, इतनी पहेलियां नहीं आती, सीधी सीधी बात बोलो। एक स्टोरी बताती हूँ। एक लड़की है, उसकी फैमिली है, बट उसके पापा नहीं है, पापा छोड़ के चले गए हैं, है लाइफ में है बट छोड़ के चले गए हैं, कर्जा वर्जा करके चले गए हैं। मम्मा है, सिस्टर है, फिर उसके बाद में चाचा है, उन्होंने यूज़ किया हर एक चीज़ से, पैसे से, हर एक चीज़ से, हर एक किसी को। फिर टाइम से पहले दोनों बहनों के साथ शादी हो गई, दीदी ने अपनी पसंद से किया, मैंने अपनी पसंद से किया, कुछ भी कह लो। तो ये स्टोरी आपकी है? एक लड़की की है। नहीं नहीं आपकी है। हाँ फिर? एक लड़की की है। हाँ फिर? तो देन दीदी का ये था कि ड्रिंक करता था, मारता था, तो उन्होंने छोड़ दिया। मेरा ऐसा है कि जो 3-4 महीने गुजरे शादी के बाद, दीदी का भी डिवोर्स हो गया। हाँ दीदी का डिवोर्स हो गया, एंड देन अब दीदी की शादी होने वाली, बहुत अच्छा है लड़का, काफ़ी अच्छा है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आपकी तरह। बट मैं तो नहीं हूँ, कनाडा में जॉब करता है, काफ़ी अच्छा। बट एक दुखियारी लड़की है जो उसकी छोटी बहन है, वो अभी भी धक्के खा रही है लाइफ से, एक ही डिवोर्स केस डाल रखा उसने अभी। तो डिवोर्स किसको डाला, ये भी तो रीजन भी तो होगा कोई। उसकी सिस्टर्स के बारे में पता चला कि वो गलत काम करती थी। अरे भाई भाई क्या हो, क्या हो, अरे रे रे रे, नहीं 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 नहीं, अरे अरे सो के कोई बात नहीं, जिंदगी में सबके साथ होता है यार, डोंट वरी, चिल, कोई ना, ये लाइफ है, लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं। इमोशनल क्यों हो गई है? अरे यार आप इतना हंसते हो, इतने अच्छे लगते हो, आप इमोशनल बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हो। गलत काम करती थी, गलत काम से मतलब। अरे रो मत यार, आप रोगे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा आपसे बात करते हुए, फिर मैं चला जाऊंगा कसम से, अगर थोड़ा सा भी आप रोगे ना तो बहुत अजीब लगेगा मेरे को। आप चाहें तो बता सकती हैं, दरवाजे कोई जबरदस्ती नहीं है आपकी, अब मैं आपसे एक बार भी नहीं पूछूंगा। मैं
अरे आप रो क्यों रही हैं यार? उसके सिस्टर्स भी गलत काम करती थी, मतलब प्रोस्टिट्यूशन या ये कह लो धंधा कह लो, लोकल लैंग्वेज में कुछ भी कह लो, आदमियों के पास जाना आना रात भर दिन भर। तो धीरे धीरे उसने फिर मुझे नशे की आदत डाली, मेरी दूध में, मेरे खाने की चीज़ों में नींद की गोलियां डालनी। तो किसने, हस्बैंड ने डाला या हस्बैंड ने? एंड उसकी मदर ला के देती थी। अच्छा, मम्मी भी थी? हाँ, उसकी फैमिली फुल इन्वॉल्व थी क्योंकि उनको तो पैसे मिलने थे, कहीं ना कैसे पैसे आने हैं। तो और कुछ नहीं, और ऐसे धीरे धीरे नशे की आदत होने लगी, ड्रग्स, चरस, गांजा, ये सब आदत लगी, जो अभी मैंने 3-4 साल में छोड़ दिया, पूरा ड्रॉप कर दिया, इलाज भी चल रहा है मेरा अभी। तो ये सब नशे से काफ़ी दूर हूँ मैं। नशे की हालत में वो अपने फ्रेंड सर्कल में को घर में बुलाता था, एंड मेरे साथ भी वही सब चीज़ें सर्कल रहा हूँ। वो अब डिवोर्स को डाला है, कोर्ट कर रहे थी, जो भी है इसमें टाइम लग रहा है। अभी फाइल हुआ है केस, अभी कोर्ट का केस तो फाइल हो गया, बट मेरी जो डॉटर है 5 ईयर्स। आपकी लड़की भी है? यस। आपकी शादी कितने साल में हुई थी? मेरी 2016 की स्टार्टिंग में। आप बताओ, आपकी सरकारी जॉब थी और आपने किसी ऐसे इंसान से शादी कर लिया जिसे आप जानते भी नहीं हो सही से? नहीं, ऐसा नहीं था, उसका घर में आना जाना था, या मैं ये कहूँ कि अच्छे दोस्त थे। मम्मी ने मना भी किया था, बट फिर वही वाली बात है, जब चाचा की नीयत गंदी है घर में रहने वाले बाप समान, ये नहीं कि उन्होंने तो पूरा हाथ कर साफ करना चाहा, बस यही हम लोग बचे। मैं पिला देती हूँ। अच्छा, आप कॉफ़ी पिलाएंगे हमें? हाँ। सच बताएं, हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और तो आपको, मतलब जो आपकी बेटी है उसे आपको तो फिर यार अपने पास बुलाना चाहिए ना? हाँ, अभी जैसे कोर्ट के जो भी है प्रॉब्लम्स इश्यूज। वैसे हम आपसे एक बात बोलना चाहेंगे, मैं बहुत फेमस, लाइक मैं यूट्यूबर भी हूँ, उधर कैमरा भी लगा रखा है हमने। हाँ, वहाँ पे सामने देखो, पेड़ के पीछे एक बंदा लेके खड़ा हुआ है। शिट, आप ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे यार? आना तो चाहिए। बस यही बोलूँगी लड़कियों को, लाइफ में, अपनी लाइफ में ना, हर एक फैसला बहुत सोच समझ के रखना चाहिए, और जैसा मेरे साथ हो किसी के साथ ना। मैं ज़्यादा तो नहीं यार, प्लीज़ रिलेशन पे बिल्कुल भी बिलीव मत करना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे रिलेशन धक्केनों से। बात बोलता हूँ दोस्तों, पता नहीं लड़की कौन है यार, लेकिन मैं इसके दर्द को महसूस कर सकता हूँ, और मेरी, मैं अपनी तरीके से कुछ इसकी मदद करूँगा। मैं एक फेमस बिजनेसमैन भी हूँ, तो थोड़ी बहुत मैं आपकी पैसे से भी मदद करूँगा। थैंक यू, बट मुझे पैसे मैं खुद कमाना चाहूंगी, मैं ज्यादा नहीं, आपकी लड़की के लिए, मैं आपकी लड़की के लिए अपनी तरफ से 50,000 रुपए दूंगा। थैंक यू। और क्योंकि यार मेरा दिल कर रहा है और मेरी ज़मीन कह रही है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोके जाना, बाकी आप अपना अकाउंट नंबर दे दो, हम पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके।